हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरी रसोई फूड चैनल। तो देखा आपने बाहर से कितना क्रंची और अंदर से कितना जूसी, एकदम जैसे हमारा फ्राइड चिकन बना था बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो लोग फ्राइड चिकन नहीं पसंद करते हैं, उनको लगता है वो खा के ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, उनके लिए मैंने स्पेशली ये रेसिपी पोस्ट की है। रेस्टोरेंट में हम सब लोग तंदूरी चिकन खाते हैं, लेकिन वो ताम झाम इतना बड़ा तंदूर या फिर गैस का तंदूर या फिर कोयले का तंदूर, वो सारा कुछ घर पे इतना कुछ मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए। तो मैंने जो ये चिकन तंदूरी बनाया है, मैंने इसको बनाया है इलेक्ट्रिक तंदूर में। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक तंदूर पे भी बिल्कुल कोयले की भट्टी जैसे तंदूरी चिकन का मजा कैसे ले सकते हैं आप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चिकन को हमें दो स्टेप्स में मैरिनेट करना होगा। नहीं नहीं घबराइए नहीं, इतना लंबा मैरिनेशन नहीं बताऊँगा। पहला मैरिनेशन जो होगा वो सिर्फ 20 मिनट का होगा, और जो दूसरा मैरिनेशन है वो एक घंटे का होगा। तो कुल मिला के एक घंटे 20 मिनट का मैरिनेशन इस रेसिपी को चाहिए, लेकिन जो जूसी चिकन का स्वाद आपको मिलेगा, यकीन मानिए इतने अच्छे टेस्ट के लिए ये मैरिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। आधा घंटा तो हमें रेस्टोरेंट में भी ऑर्डर करके लग जाता है चिकन तंदूरी अपनी प्लेट तक आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मैरिनेशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिएंगे इसके लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन लेग्स। मैंने यहाँ पर लेग्स ली हैं, आप चाहें तो चेस्ट पार्ट भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट हमें चाहिए 2 चम्मच, और कम से कम 5 चम्मच हमें चाहिए नींबू का रस, जो बहुत ज़रूरी है आपके चिकन को टेंडराइज करने के लिए। आधा चम्मच मैंने लिया है काला नमक, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इस रेसिपी को, और आधा चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद नमक, और आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च पाउडर। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चिकन लेग्स हमारे हैं उनको हमें स्लिट करना है, उनमें कट लगाना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, वो अच्छे से अंदर घुस जाएँ चिकन में। और स्लिट्स लगाने का तरीका, कट्स लगाने का तरीका ये है कि एक तरफ आप लगाएं 4 कट, और दूसरे साइड आप लगाएं जो छोटे वाले साइड होती है 2 कट, और एक कट आप लगाएंगे ये यहाँ पर टॉप पे, ये देख रहे हो, ये एक कट यहाँ पर लगेगा। तो एक साइड 4 कट, दूसरे साइड 2 कट्स, और एक कट ऊपर, ऐसे ही आपको जितने भी आपके पास लेग पीसेस हैं उन सब में हम ऐसे ही कट्स लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो सारी चिकन लेग्स हैं वो कट्स लग के तैयार हैं। अभी हमें इनको करना है मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए हमने ये इसमें ऐड किया 5 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सफेद नमक। और आधा चम्मच हमने यहां पर लिया है लाल मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच हम यहां पर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें ये जो स्लिट्स हैं, जो कट्स हमने लगाए थे, आपको मसाला इनके अंदर अच्छे से भर देना है। ये देखिए ऐसे मसाला लीजिए और उन कट्स के अंदर तक इसको भर दीजिए, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब बटन के
आगे जो बेल का आइकन आता है उसको ज़रूर ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि तभी जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है, यहाँ पर हम इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब तक ये 20 मिनट का मैरिनेशन कंप्लीट होता है तब तक हम करेंगे अपना सेकेंड मैरिनेशन तैयार। तो सेकेंड मैरिनेशन के लिए क्या क्या आपको चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 3 चम्मच हंग कर्ड यानी पानी अच्छे से निकली हुई दही, 1 चम्मच हमें चाहिए अदरक लहसुन पेस्ट और 4 चम्मच हमें चाहिए सरसों का तेल। हंग कर्ड के लिए आप दही को मसलन या मलमल के किसी कपड़े में टंगा दीजिए तो आधे घंटे में उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपके पास बच जाएगी हंग कर्ड। 1 चम्मच आपको चाहिए नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला और चुटकी भर रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सेकंड मैरिनेशन तैयार करने के लिए आप इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में मिक्स कर लीजिए। ये हमने सबसे पहले इसमें ऐड किया है हंग कर्ड, 3 चम्मच दही आपको ऐड करना है अच्छे से पानी निकली हुई, और 1 चम्मच हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच नमक और 4 चम्मच सरसों का तेल, और ऑप्शनल रेड फूड कलर। ये सब मिला के अच्छे से आप इसको मिक्स कर दीजिए और ये आपका सेकेंड मैरिनेट है तैयार। तो अब आप चिकन पीसेस को लीजिए और ये मिक्सचर अच्छे से हर एक लेग पीस पे रब कर दीजिए। यहाँ भी ये ध्यान रखिए कि जो स्लिट्स हैं, जो कट्स हैं लेग पीसेस में, उनके अंदर आपको अच्छे से इस मसाले को फिल कर देना है, अच्छे से भर देना है। अब इन लेग पीसेस को आपको फ्रिज में रख के 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। तो 1 घंटा हो चुका है, चिकन हमारा अब तंदूर में डालने के लिए तैयार है। ये है हमारे पास बर्ज का इलेक्ट्रिक तंदूर, आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मार्केट से बहुत सारे ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक तंदूर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तंदूर की प्लेट को फॉइल किया और उसको हम कर लेंगे ऑयल से या फिर घी से अच्छे से ग्रीस। अभी आपको क्या करना है कि तंदूर को प्रीहीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए ऐसे इसमें अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने ट्रे को डाला अंदर और इसको अब हम छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए ताकि जो तंदूर है वो प्रीहीट हो सके। और 2 मिनट के बाद आप तंदूर की प्लेट को बाहर निकालेंगे और चिकन पीसेस को उस पर रखेंगे। और वापस से तंदूर प्लेट को डाल दीजिए तंदूर के अंदर। दो मिनट के लिए आप चिकन को रोस्ट होने दीजिए तंदूर में और 2 मिनट के बाद उनको बाहर निकाल के देखिए तो चिकन जो है वो अंदर से कुछ पानी छोड़ेगा, उस पानी को आप टिश्यू पेपर या फिर एक स्पून की मदद से बाहर निकाल दीजिए ताकि ट्रे में पानी ना रहे। इसके बाद 2 मिनट और इसको रोस्ट कीजिए और 2 मिनट के बाद आप इसको फिर से एक बार ट्रे को बाहर निकालिए और घी या फिर बटर से ब्रशिंग कीजिए हर एक पीस की। तो ये आपके चिकन को सूखने नहीं देगा और उसके अंदर एक सॉफ्टनेस बनाए रखेगा। बस इसके बाद वापस ट्रे को अंदर डालिए और 2 मिनट के लिए आप तंदूर का स्विच ऑन रखिए। 2 मिनट की और रोस्टिंग के बाद आपको तंदूर कर देना है स्विच ऑफ और 5 मिनट तक ऐसे ही तंदूर को स्विच ऑफ रखिए और तंदूर प्लेट को भी अंदर ही रहने दें। इससे क्या होगा कि आपको जो चिकन है वो धीमी आंच पे रोस्ट होगा 5 मिनट के लिए और ये
आपके चिकन को अंदर से पकाएगा लेकिन उसको सूखने नहीं देगा, उसकी सॉफ्टनेस को मेंटेन रखेगा। और 5 मिनट के बाद एक फोर्क से आप उसको चेक कर लीजिए। आई एम श्योर कि 5 मिनट में आपका चिकन अच्छे से पक चुका होगा। बस अब उसको निकालिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर इस पे आया है, कितना अच्छा क्रिस्पी बाहर से इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और कितना जूसी भी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट, इसको चखना तो बनता है भाई। वाओ, यम्मी यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस, यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट बनाइए। ओके दोस्तों, सो मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी रसोई।